हमें समझ में नहीं आया कि ओके हमारी मुझ और हमारी औजार बहुत डिफरेंट है। राइट, सोच बड़ी होनी चाहिए, पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपके औजार उतनी काट सकती है कि नहीं लोग। बिल्कुल, तो ये धीरे धीरे हमें समझ में आने लग गया कि वाइल वी कैन ड्रीम बिग बट वी हैव टू विन वन मार्केट एंड वन सिटी एट अ टाइम। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ फिनटेक की बात दिल से। टुडे वी हैव विद अस मिस्टर मुकेश बुबना, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मोनेक्सो। मोनेक्सो इज इंडियाज वन ऑफ फर्स्ट पीटूपी लेंडिंग स्टार्टअप्स। इट्स बीन अराउंड फॉर ऑलमोस्ट 7.5 years बिफोर इवन द पीटूपी गाइडलाइंस एक्चुअली केम इनटू प्ले। सो दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड एंड दे हैव बीन ऑपरेटिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, सो हैव सीन द इंडस्ट्रीज अप्स एंड डाउन्स। Having said that, Mr. Mukesh, it's a pleasure having you here and thank you so much for your time today. Thank you, Shreyas, for having me on the show. It's a pleasure, sir. It's a pleasure. Mr. Mukesh, if you all didn't know, he comes with a rich background in corporate and banks. He has been in Citibank for almost more than a decade before he went to Western Union, where he was there for almost a couple of years, after which he started Monexo as a company. So over to you, sir. Would love to understand a bit of the background about yourself and quick journey from start of your career till Monexo. Sure. Born, brought up in Calcutta. Things which the college life or the school life taught me. एक इवेंट मुझे याद है जब मैं CBSE से वेस्ट बंगाल बोर्ड गया, क्योंकि ऑप्शंस टू गेट टू कॉलेजेस आउट देयर बिकॉज़ ऑफ द लोकल बोर्ड। तो वहां पे एक इवेंट हुआ जहां पे हमारे लिए जो पीपल हु माइग्रेटेड एंड वी वर ओनली 12 ऑफ अस माइग्रेट CBSE टू वेस्ट बंगाल बोर्ड इन अ स्कूल, एक अलग रूल था हमारे को और पढ़ने पड़ेंगे और हमें दो सब्जेक्ट और अपीयर करने पड़ेंगे। तो हम बोले ये तो नाइंसाफी है, नाइंसाफी है। और हमारी स्कूल बोले हम तो कुछ कर नहीं सकते, आपको करना पड़ेगा बोर्ड के पास। हम बोले आप ही जाएंगे, हम तो आपके स्टूडेंट हैं। हमने अपना खड़ा कर, अच्छा हम खुद गए पत्रकारों के पास में, अच्छा, और खूब लिखवाई कहानी एक पे छपा और उसके कारण वो रूल चेंज हो। तो मुझे समझ में आ गया कि अपने लिए खुद को लड़ना, बिल्कुल राइट। दूसरा हुआ फिर कॉलेज में चले गए। कॉलेज में एक हमारा सोसाइटी होता था वहां पे हम अवेयरनेस अबाउट ड्रग्स एंड सेक्स, मतलब ये 1980s की बात करें जब ये सब बात बहुत कम होती थी, पर बिल्कुल हो गया था इंडिया में 1988। यस, ओह गॉड, ओके, दैट इज वो टाइम पे तो ये सब चीजें वाज रियली टॉक्ड अबाउट, बट वो एमटीवी का जमाना शुरू हो गया था इंडिया में। लिबरलाइजेशन ऑफ टीवी हैड स्टार्टेड, एमटीवी स्टार्टेड। अब तो एमटीवी दिखता नहीं, अब तो हमारे ही बहुत सारे चैनल हैं। बिल्कुल, वहां पे हमने जब वो सोसाइटी रजिस्टर किया तो फिर वही गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ा। काफी कुलीग जाते थे, उनका काम था वो, पर जब तक हम सोसाइटी रजिस्टर नहीं कर लेते थे हमें डोनेशन नहीं ले पा रहे थे। बिल्कुल, और डोनेशन के बगैर हम स्टूडेंट काम कैसे करें। ट्रू, कि हमें बहुत सारे पैम्फलेट छपाने पड़ते थे, हमें स्कूल जाके समझाना पड़ता था क्या इसका असर है लाइफ में, और सब अपने टाइम कर सकते थे, पैसे किसी के पास नहीं थे। बिल्कुल, और वहां पे जब मैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में गया, वो मुझे इस डेस्क से उस डेस्क में बैठाया, तो मैं एक दिन बोला कि चलो मैं पूरे दिन बैठूंगा इसी रजिस्ट्रार के सामने में जब मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे देता। राइट, और बिलीव मी और नॉट, वो सोसाइटी कॉलेज में 3 साल से चल रही थी विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, और उसको एक दिन में सर्टिफिकेट ला के दिया। क्या बात तो है, अगर कुछ करना है तो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और 100% फोकस होकर करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वैसी हमारी सीए की जर्नी रही। और हम सीए पास करते ही गॉट इनटू सिटी बैंक।
लिटरली मैं बोलूंगा उस टाइम पे हमारे पास में इंडिया में 1990s में अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी, चार ही एक अपॉर्चुनिटी होती थी, या तो आप डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये चार थे, और उसमें भी आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी पक्का नहीं। बिल्कुल। तो मेरे लिए बहुत, मैं कहूंगा ये मेरे लिए सबसे बड़ा लकी इवेंट था। उस टाइम में ट्रेनिंग कर रहा था बैंक में एज अ बडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं जैसे पास हुआ उसके एक चार दिन पहले ही मुझे नौकरी मिल गई। मेरे बॉस ने कह दिया कि अगर तुम पास हुआ नौकरी के लिए इंटरव्यू नहीं जा। अच्छा अच्छा क्या बात है। राइट। एंड मेरे साथ जो मेरे और फ्रेंड्स थे, कुछ रैंकर्स थे, मुझे याद है उनको 6-9 महीने, किसी को 12 महीने इंटरव्यू करते करते लगे। अच्छा। उस टाइम अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती थी, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी बहुत छोटा था, बहुत लकी था। और वहां पे मेरी जब जर्नी शुरू हुई तो वहां पे एक रूम था, सब लोग जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो फैक्ट्री होती है, वहां पे जाके आप काम सीखेंगे। बैंक का फैक्ट्री होता है ऑपरेशन, जहाँ पे सब काम होता है। राइट। वो एक फैक्ट्री है जहाँ पे लोन अप्रूवल होता है, अगर आपने चेक डिपॉजिट किया चेक क्लियरिंग होती है, अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया उसका चेक करना कि वो सही है कि नहीं है, सब। तो हमारे यहाँ एक रूल था कि कोई भी नया ज्वाइन करेगा तो 6 महीने मिनिमम उस ऑपरेशन में काम करेगा, 6 महीने सेल्स में करेगा, 6 महीने प्रोडक्ट में काम करेगा, ऐसे 18 महीने का रोटेशन होगा। और उसके बाद चूज व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट। वाओ। तो अगर आपको फैक्ट्री नहीं आता तो आप माल नहीं बेच सकते, क्योंकि आप डोंट कैन नॉट डू रॉन्ग प्रोमिसेस टू कस्टमर। बिल्कुल। राइट। ये चीज काफी इम्पोर्टेंट है, आई डोंट थिंक आज के जमाने में ये कहीं भी होता है, इवन फॉर फ्रेशर्स ये होना है। बहुत जरूरी है। ऑपरेशंस जो आपको ग्राउंड लेवल की अंडरस्टैंडिंग देता है, आफ्टर दैट इफ यू मूव इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स एंड स्पेशली सेल्स के बंदों को ये सब नॉलेज अगर नहीं होगी तो इट जस्ट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ट्रेनिंग से कुछ नहीं होने वाला, वो ट्रेनिंग में आधे लोग सो रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ पे वो ट्रेनिंग चली हमारे 18 महीने की इंडिया में, सिंगापुर में। एंड फिर मेरे को लगा कि उस टाइम पे ऑपरेशंस बहुत मैनुअल होता था, बहुत मैनुअल। आज की तारीख में क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे कुछ नहीं था, हमारे को सब बैठ के लिखना पड़ता था। राइट। और हमारी थिंकिंग बिकॉज बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज प्रोसेस ओरिएंटेड। राइट। हमने देखा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम प्रोसेस को इम्प्रूव करके राइट हम लीडरशिप पोजीशन गेन कर सकते हैं। और वैसे भी हम कंज्यूमर बैंक में सिटी वाज अ लीडर 1990s में, बहुत 3 फॉरेन बैंक थे या 4 फॉरेन बैंक थे, वही कंज्यूमर बैंक में थे। तो एक एग्जांपल दूंगा, उस टाइम पे ना ब्यूरो था, क्रेडिट ब्यूरोज नहीं थे, ना एनालाइजर्स के स्टेटमेंट। तो एक पर्सनल लोन या कार लोन का ही फाइल इतनी मोटी होती थी, हाउसिंग लोन का तो फाइल इतना मोटा होता। तो उसको वहां रिव्यू करना पड़ता था, एक इंसान को बैठ के रिव्यू करते थे और फिर वो लोन देते थे मैन्युअली। एक एक डिसीशन कम से कम 40 से 50 मिनट लगते थे एक लोन के। उसमें एक प्रोसेस होता था कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन, कस्टमर वहां रहता है कि नहीं रहता, उसको करने में 3 दिन लगते थे। राइट। आपके पास रिकॉर्ड आएगा और आप सोचिए, आप चंडीगढ़ में किसी आदमी को भेजना है, आपको वहां पे उसको मैनेज करना है। उस टाइम कोई इंटरनेट इतना बढ़िया नहीं होता था, मोटे आपको अगर आप लोग ने नहीं सुना होगा बिल्कुल, आवाज करती थी, बहुत ही लो स्पीड होता था। तो उसका डेटा ट्रांसफर करना, उसको एलोकेट करना, कोई जियो जो MTNL का राउटर हो जाता BSNL MTNL के, राइट। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना और फिर टर्न अराउंड टाइम करना इंस्टेंट इम्पॉसिबल था। जो चीज 7 या 8 दिन लगते थे उसको 1 दिन में कैसे करें, और वो भी एक जगह नहीं, खाली चेन्नई नहीं कहे, बॉम्बे नहीं, आपके 25-30 सिटीज में आप काम कर रहे थे, 25-30 सिटी में कैसे करें। तो ये प्रोसेस री इंजीनियरिंग हो रही थी। ऐसी एक दिन हम लोग ने ऐड की, उस टाइम पे एक पिज्जा ब्रांड ने अपना एडवर्टीजमेंट चलाया, 30 मिनट्स में पिज्जा या फिर फ्री। बोले ये तो बहुत ही अच्छा चीज है, अगर 30 मिनट्स में देते हैं तो हम इसके पिज्जा के साथ पिज्जा ही भेजेंगे कस्टमर को, जैसी लीड जनरेट होगी और हमें
कॉन्टैक्ट पॉइंट में हम पिज्जा भेजेंगे और उसी के साथ एक फॉर्म भरवा के अपने पास मंगवा लेंगे। तो सो वो ये पिज्जा डिलीवरी के साथ आपका टाइप था कि कैसा था? ऐसे हाँ, तो हमने पहले वो टेस्ट पिज्जा ब्रांड के साथ किया। टाइप था? हाँ, ओके कि हम बोले हम आपको कस्टमर का नाम देंगे, उनको एक छोटा प्लान ओके पिज्जा बना दो, राइट। इट वाज द सेम कॉस्ट एज अदर ह्यूमन बीइंग, और आपको ये चार पांच क्वेश्चन भरवा के आंसर करके हमें देना है। तो मान गए, और हमने तो एक ये ब्रांच से एड्रेस शुरू, वेरिफिकेशन भी हो गया और कस्टमर डिलाइट भी हो गया। कस्टमर डिलाइट भी हो गया, राइट। तो ये दीज वर आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल ट्रायल्स वी वर ऑलवेज डूइंग, सम फेल्ड मिजरेबली, सम बिकेम हिट्स एंड बिकेम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। पर वो इतना वॉल्यूम था, इतना वॉल्यूम था, तीन चार ब्रांच में जिसमें हमने टेस्ट किया, कि उस ब्रांड ने कहा कि हम अपने नॉर्मल कस्टमर को सर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको स्केल नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे सिटी बैंक एक बहुत बड़ा बैंक, बिल्कुल राइट। और ऐसे बहुत सारे टेस्ट किए हैं, और उसको कई को स्केल किया है, कोई को बंद किया है, राइट। तो एक और लर्निंग थी कि बिजनेस में आप बुलसाई हर बार नहीं लगता, आपको ऑन द बोर्ड पहले बिल्कुल लगा, फिर उसको रिफाइन करते 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 आप बुलसाई पे लेके जाओगे, राइट। तो हमारी जो ट्रेनिंग थी वाज नॉट दिस डिजिटल। आज की तारीख में जो डिजिटल फ्रेमवर्क है इंडिया में, इट्स अमेजिंग एक्चुअली। आई वुड से इट इज फार अहेड ऑफ एनी साउथ ट्रू ईस्ट एशियन कंट्रीज आई हैव वर्कड इन। आई हैव वर्कड इन एंड आई हैव अंडरस्टूड वेरी क्लोजली ऑल द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। आई हैव गॉन टू यूरोप, आई हैव वर्कड इन यूएस फॉर अ शॉर्ट स्टिंट अप एंड डाउन, बट नहीं है वैसा, ये बहुत हम आगे हैं। बिल्कुल अग्रीड अग्रीड सो ये करते करते इंडिया में हमने ऑपरेशन किया, टेक्नोलॉजी भी बनाई, सिस्टम बहुत सारी सिस्टम्स बनाई, इंडिया के लिए बनाई, बाहर के लिए बनाई, पोलैंड, टर्की, यूएस के लिए, साउथ एशिया के लिए। फिर हमको हमारे कोर जो हमने राइट करी थी सीएफओ की, और एज ए फाइनेंस गाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम बोले हम सीएफओ बनना चाहते। सिटी बैंक की एक खासियत अच्छा थी उस टाइम पे, आप अपना हाथ उठाओ, आपको क्या करना है। आपको कोई ये नहीं बोला कि आपको सेल्स में लिया तो आप अच्छा जल्दी सेल्स कीजिए। तो हमने टेक्नोलॉजी बिल्कुल और फिर सीएफओ तक हम इंडिया में गए, फिर एशिया पैसिफिक सीएफओ गए, और वहां पे सीएफओ से हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू, राइट। तो हम कई राइट बार ऐसे बात करते थे जैसे कि ये कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है, हम खाली नंबर नहीं गिनते थे। बी जिसके सीएफओ को बोलते हैं बीन काउंटर्स, बहुत डेरोगेटरी टर्म है वैसे, दे आर बीन, राइट राइट। वो बीन काउंटिंग के पीछे क्या चल रहा है, कॉज एंड इफेक्ट, वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता था, क्योंकि आप सेल्स वाले से बात कर रहे हो, आप कस्टमर वाले से, तो आप कस्टमर की कहानी सुन रहे हो, आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर रहे हो विद द सीएफओ सीईओज ऑफ द वर्ल्ड। तो उससे मेरे को लगा कि मैं वैल्यू बहुत ऐड कर सकता हूँ प्रोडक्ट एंड सेल्स एंड मार्केटिंग। और मेरे सीनियर्स को बुलाया, वहां से अपना रास्ता फ्रॉम आफ्टर ऑपरेशन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस विच आर द बैकबोन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, वहां से फ्रंट एंड में आ गए, इन अ वे मोर कस्टमर फेसिंग, फर्स्ट और बिल्कुल सेकेंड एंड इंटरेक्ट विद कस्टमर। तो ये मुझे एक बहुत होलिस्टिक पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज देके गया, एंड स्पेसिफिकली कंज्यूमर बैंक। राइट तो ये करते करते फ्रेंकली इट वॉज सो मच ऑफ फन शेयर्स, कि कब 20-22 साल हो गए विद इन द बैंकिंग वर्ल्ड मुझे मालूम नहीं था। आई एम लिटरली सेइंग फ्रॉम इंडिया गोइंग टू सिंगापुर, सिंगापुर अच्छा टू, इट वाज सो मच ऑफ फन, फन इन वर्क। वर्क वाज नेवर प्रेशर, इट वाज ऑलवेज प्लेजर। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास में, जैसे अभी एक बहुत डिबेट चल रहा है नारायण मूर्ति के कमेंट पे, 70 घंटे काम करो, राइट, एज ए यस इंडिया बहुत डिबेट चल रहा है। लिटरली अगर हम लोग से, 70 hour work week हमारे से कोई पूछे ना, हम लोग लिटरली 70 नहीं, हम लोग तो ऑफिस में 100 भी जाते थे, जाते थे। और हमारे कुछ बॉस थे जिनको हम नाम नहीं लेंगे, पर वो ऐसे थे कि हमें बोलते थे वर्क हार्ड पार्टी हार्ड। उनके घर पे फ्राइडे, और उस टाइम पे सैटरडे वर्किंग होता था फुल डे, पूरे सैटरडे को शाम को 6 घंटे
7 बजे काम खत्म करके उनके घर पे जाके आप पार्टी करो और वो संडे को आपका रिव्यू रख लेंगे और आपको इतनी पिलाएंगे इतनी तेरी। तो आप तो ऑल आउट हो जाओगे और सवेरे सवेरे वापस 8 बजे आके आप उनको प्रेजेंटेशन कर रहे हो कि हमने क्या क्या अपने अपने बिजनेस में अपने प्रोसेस में क्या इम्प्रूवमेंट किया और क्या सीखा हमने लास्ट डे मैंने। तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि वो प्लेजर था क्योंकि इन अ वे इट वाज अ स्टार्टअप वर्ल्ड वेयर वी वर लर्निंग। हर दिन एक नई लर्निंग होती थी बिल्कुल तो वो जो हार्डवर्क कल्चर था एक्सपेरिमेंटेशन कल्चर बना बिल्डिंग अ टीम फ्रॉम स्क्रैच क्योंकि ऐसा कोई टीम नहीं था और सबके में जुनून था कि वी वांट टू बी नंबर वन whether it's marketing बिल्कुल sales guy whether it's an operation guy or a technology guy all were just aligned कि हमको ये deliver करना है और हमको deliver आज नहीं अगर हो सकता है तो कल पहले सवेरे सवेरे ही हो जाए right। तो ये सब हमें जो बिल्कुल culturally मिला ना उसी को लेके मैंने Monexa शुरू किया और एक understood P2P lending जिसको Monexa एक one of the pioneers है इंडिया में ये शुरू हुआ था 2005-2006 में in UK right। और उनके founder से मेरी जान पहचान हुई थी पर मैंने वो dismiss कर दिया था। मैं सिंगापुर में था उस टाइम पे मैं in a way उस concept को dismiss कर दिया था personally क्योंकि as a banker we thought कि ये क्या कर रहे हैं how they can disintermediate a bank in a way and how can they democratize credit। तो ये सब देखते हुए मेरे को अजीब लगा पर I was in touch with him उस टाइम emails आ गए थे तो we were exchanging notes here and there और then 2000 crisis happened in US and it engulfed all over the world right करके सब माचिस की तीली की तरह उड़ने लगे countries और सिटी बैंक वॉज इन द मिडल ऑफ राइट। तो हमने बहुत यूएस गए और वहां पर हमने देखा कि दो और कंपनी हैं जो बहुत बढ़ गई हैं एक है लेंडिंग क्लब और दूसरा है प्रॉस्पर। फिर अपने ही काम में बहुत व्यस्त थे मतलब 2008 के बाद में कंपनी का हेडकाउंट वॉज कंटिन्यूसली कमिंग डाउन and the work pressure on the remaining set of people was just going, just continuously going up and there was regulatory True. pressure so ki aap apne bank ko theek se rakhiye customer ko aur communicate kijiye wrong product mat sell kijiye kyunki ek Lehman brother bol ke bond bika tha sare asia mein which went down also yes. right uske bhi regulatory impact yes. the plus hamara khud ka global brand us ka housing पेपर्स को लेके बहुत स्टॉक प्राइस डाउन थे तो पीपल वर वेरी वरिड तुम्हारे पास काम की कमी नहीं थी और बढ़ गई थी लोग कम हो गए। पर जब मैं यूएस जाता था तो मैं देखता था कि दूसरे दो कंपनी लेंडिंग क्लब एंड प्रॉस्पर वर रियली डूइंग वेल व्हाइल द बैंकिंग इंडस्ट्री वाज श्रिंकिंग दीज टू कंपनीज वर ग्रोइंग वेरी वेरी वेल एंड दे वर और फिर ये दूसरा मौका right. था दूसरा मौका था जब मैंने पीटूपी लेंडिंग को देखा और फिर भूल गया। अब मैं चला गया हांगकांग सिंगापुर से निकल और मैं चाइना जाने लगा। जब मैं चाइना जा रहा था वहां पे एक कोलैबोरेशन कर रहे थे कोई लोकल बैंक के साथ में हमारी लाइसेंस भी अप्लाई करी थी सिटी बैंक के नाम। तो उन दोनों काम में जब मैं जाता रहा चाइना वहां पे पीटूपी लेंडिंग को और ग्रो करते गए। तो एक अगर आप देखो तीन डॉट्स दिखते लगे अच्छा। तीन बड़ी जगह इकोनॉमीज में यूके में यूएस में चाइना में और फिर जब रिसर्च किया तो धीरे धीरे सब इकोनॉमीज और दिखने लगे कि हो रहा है और बहुत बड़े तरीके से हो रहा है। तो जो मेरी बिल्कुल 20 इयर्स की इन अ वे इफ आई मे से ट्रेनिंग वाज इन कंज्यूमर बैंकिंग ओनली राइट। उस स्ट्रेंथ को लेके अब मैं अपना अगर सेकंड इनिंग खेलना है उतरू तो क्या चीज खेलू उसी से और वेरी लकी लॉट ऑफ ओल्ड पीपल केम एंड वर्क्ड विद मी दे जॉइन मी। मुझे याद है मैं
नौकरी छोड़ के एक ईमेल भेजा, क्योंकि हेडहंटर्स भी आते हैं, आपको फोन करते हैं व्हेन यू आर एट ग्लोबली अवेलेबल कि आपने छोड़ा इज दिस ऑफर. तो मैंने एक राइट की लिस्ट बनाई, मैंने उनको बोला कि मैं अब नौकरी नहीं खोज रहा और मैं ये करना चाहता हूँ. अच्छा. क्योंकि मैं अकेले शुरू किया था कंपनी को, तो चैलेंज होती थी कि आप किसके लिए अकाउंटेबल हो. ऑफिस में तो आप अकाउंटेबल हो, कोई ना कोई पूछ ये किया कि नहीं किया, ये किया कब होगा. अब यहाँ तो कौन अकाउंटेबल है, आप छुट्टी पे हो करो, नहीं करना है 30 दिन का चीज 60 दिन में भी करो. तो मैंने एक प्रैक्टिस शुरू करी, उन 100 दिन को मैंने ईमेल में बोला कि ये चीज मैं 30 दिन में करूंगा, 3 आइटम मैं 30 दिन में करूंगा. फिर उनको फिर भेजा कि अगर आपको नहीं चाहिए तो मत बोलो नहीं चाहिए. तो उसमें से कुछ 10-15 दिन बोला कि भाई मुझे मत भेजो, थैंक यू फॉर योर नोट दैट यू आर मूविंग आउट ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड. उसके बाद मैंने फिर 30 दिन के बाद बोला ये 2 तो हो गए, ये नहीं हुआ, मैं अब ये 3 करूंगा नेक्स्ट 30 दिन. तो एक तरह से मेरी अकाउंटेबिलिटी हो गई. जैसे आप वेट लॉस करते हो, अपने कोशिश करते हो, अगर आप सबको बोल दो कि मैं भी वेट लॉस कर रहा हूँ तो आप एक तरह से देखोगे अकाउंटेबल. आप जब जिम ज्वाइन करते हो या कोई क्लब ज्वाइन करके बोलते हो कि हम लोग सब साथ भागेंगे, तो आपको अगर नींद भी आ रही है आप बोलते हैं अरे यार वो वेट कर रहा होगा मैं. तो अकाउंटेबिलिटी आई ब्रॉट ऑन टू राइट. एंड इन दैट जर्नी इन द नेक्स्ट 90 डेज दोज पीपल हु आर सीइंग व्हाट प्रोग्रेस वी आर आई वाज मेकिंग एंड आई वाज मेकिंग अलोन, दे स्टार्टेड कमिंग एंड सेड लेट्स स्टार्ट इट मच फास्टर. गॉट इट. यहाँ पे आपको 2 मिनट रोकना चाहूंगा. बेसिकली ये जो आपने बात कही है ना कि व्हेन यू आर डूइंग इट योरसेल्फ, आप अगर खुद कर रहे हो तो होल्डिंग योरसेल्फ अकाउंटेबल इज रियली इम्पोर्टेंट. बट आई थिंक लॉट ऑफ अर्ली स्टेज स्टार्टअप फाउंडर्स जो है यही चीज में काफी टाइम मार खा जाते हैं, बिकॉज स्पेशली द यंगर वंस राइट, जो एक 5-6 साल कॉर्पोरेट में रहे एंड देन दे काइंड ऑफ गेट इन टू दिस, वो आदत होती है कि कोई हमें बता रहा है या कोई हमारे लिए KRAs सेट कर रहा है और हम वो चीज रोज सुबह उठ के कर रहे हैं. बट जब खुद का चालू करते हैं देन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट. सो आपका क्या सजेशन रहेगा फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल हु आर गेटिंग इनटू स्टार्टअप्स या खुद इधर एंटरप्रेन्योरशिप रोल्स इन स्टार्टअप्स और स्टार्टिंग अप देयर ओन, कि ये खुद पे अकाउंटेबिलिटी किस तरह ला दी जाए सो दैट यू एसेंशियली स्टिक टू इट एंड एक्चुअली मेक सम प्रोग्रेस. सी early on hard work is going to be huge and everything which you think you can do right will feel impossible. usko aur chote chote steps mein todiye aur uska timeline dijiye apne aap ko. example hai agar aap india mein company registration karwana chahte ho, that's the first step to incorporate a company. right uske liye steps aapke paas, आप उसको तोड़िए. और ऐसा भी मत कीजिए कि एक दिन आएगा, नहीं कुछ भी एक दिन में नहीं होगा. उसको जितने स्मॉल स्टेप्स में आप समझ के लिए और उसके लिए कौन एक्सपर्ट है उसको खोज पाओगे, क्योंकि ये सब आपको रिसर्च करना पड़ेगा. आपने बड़ी कंपनी में ये सब आपको नहीं करना पड़ता. अगर आप कॉर्पोरेट में मार्केटिंग मैनेजर हैं तो आपको खाली मार्केटिंग के बारे में, और यहाँ पे एज ए स्टार्टअप आपको HR के बारे में सोचना है, आपको मार्केटिंग के बारे में सोचना है, आपको इनकॉर्पोरेशन GST सबके बारे में सोचना पड़ेगा. क्योंकि कुछ भी गलत होगा तो आप ही की, बिल्कुल आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. आप छोटे स्टेप्स एग्जैक्टली लिखिए राइट, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए को खुद कीजिए या फिर किसी को डेप्यूट कीजिए जो उस स्टेप में बेस्ट है. एग्जांपल देता हूँ, हाँ यू कैन गो टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू गेट योर GST रजिस्ट्रेशन, तो उसका प्रायोरिटी होना चाहिए ना. आप गो टू PwC, आपको PwC प्रायोरिटी नहीं देगा. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नॉट टेकिंग एनीथिंग अगेंस्ट द ब्रांड, आपको और चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेगा जो आपके बराबर का समझ सकेगा. तो गिव एन अपॉर्चुनिटी टू देम एंड वर्क विद देम. सिमिलरली आप मार्केटिंग टीम हायर, तो आप ही को इंटरव्यू करना पड़ेगा राइट. तो आपको अपनी बिल्कुल स्टोरी समझनी पड़ेगी और उसको उस स्टोरी को समझना पड़ेगा कि वो सामने वाला बंदा आपकी स्टोरी समझता है कि नहीं. अगर वो इमोशनली अटैच नहीं है ना तो उसको कोई भी 15-20% हाइक देगा. तो आपको पहले अपनी स्टोरी क्लियर, व्हाई आर यू डूइंग इट, एंड वो स्टोरी उसको समझ में आती है, वही आपकी फाउंडिंग टीम बनेगी.
बिल्कुल मेक सेंस. नहीं, आई थिंक दैट इज रियली इंसाइटफुल. एंड काफी लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन यही यही एस्पेक्ट्स पे, आई थिंक इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर देम. उसके धीरे धीरे टीम बनती चले गई, टेक्नोलॉजी बनने लग गया, हमारे टेक्नोलॉजी टीम में भी लोग जुड़ने लग गए, और फिर हमने लॉन्च किया ये प्रोडक्ट को पहले हांगकांग में। वेल, हम सोच रहे थे कि हम सिटी बैंक से निकल के आए थे, ये हमारी बहुत बड़ी गलती। हम सोचे हम बैंक से निकल के आए, हम एशिया पैसिफिक हैं, हम ऐसा करेंगे कि हम 7 कंट्री लॉन्च करेंगे 6-6 महीने में। हमें समझ में नहीं आया कि ओके. हमारी सोच और हमारी औजार बहुत डिफरेंट है। राइट. सोच बड़ी होनी चाहिए, पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपके औजार उतनी काट सकती है कि नहीं लोग। बिल्कुल. तो ये धीरे धीरे हमें समझ में आने लग गया कि वाइल वी कैन ड्रीम बिग, बट वी हैव टू विन वन मार्केट एंड वन सिटी एट अ टाइम, राइट। तो जब हमने हांगकांग में लॉन्च किया था, अगेन वी आर पायनियर्स देयर, और हम अबाउट 2 ईयर्स से प्रोडक्ट बना के वी स्टार्टेड स्केलिंग अप। वी हैड वेरी गुड इक्वेशन विद द हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी, वहां पे आरबीआई नहीं है, इट्स अ फ्री एक्सचेंज मार्केट, डॉलर इज नॉट मैनेज्ड एज राइट. इट इज, ओनली मॉनेटरी अथॉरिटी इज देयर, एंड सेबी इक्विवेलेंट इज कॉल्ड स्विस फ्रांस कमीशन। वी हैड स्पोकन टू देम, वी हैड टेकन लाइसेंसेस, नॉट लाइसेंसेस, देयर इज नो लाइसेंस रिक्वायर्ड देयर, and we had taken adequate precaution from a regulatory point of view to do this, but after 2-3 years you would have seen China going down in P2P lending. So along with China, the local regulators said we would not want in Hong Kong also P2P lending to continue. So we closed that business. Right. At that time, I had a chance to meet Mr. Raghuram Rajan also, and there are draft guidelines coming. So we just around the draft guidelines, we launched a platform in India. It was only draft, it was not the final guidelines. But what had happened, कि हमने उस मार्केट में लॉन्च करके अपना टेक्नोलॉजी बना लिया था, हमें वी हैड टू चेंज सम बिट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया पर्पस, तो टेक्नोलॉजी जो कोर थी वो बन गए थे बहुत अच्छे से। वो वही सिस्टम आज कोर अभी भी वही चल रहा है। अब हम यूएक्स यूआई इम्प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल लॉजिक्स चेंज कर सकते हैं इंडिया के लिए। अब इंडिया में इतने सारे स्टैक्स हैं, आपके यूपीआई के स्टैक है, आपके आधार के स्टैक है, ये सब इंटीग्रेट होते जाते हैं, दैट इज नो नो नॉट एन इशू। बट आपका कोर जो स्टैक होता है पीटूपी लेंडिंग का, बहुत डिफरेंट है। इट इज नॉट लाइक अ बैंकिंग स्टैक, इट्स वेरी डिफरेंट। वो बन चुका था बिल्कुल, दैट वॉज आर एसेट विच अलाउड अस टू एंटर इंडिया। वी प्लेड quite a few good roles in regulatory framework. अगर आप draft guideline देखोगे, और ये industry का ही एक part है, you have to don't think regulator is sitting on the other side of the table. Regulator is on the same table with you. आपको उनको educate करना है of both risk and the reward of the industry, right? Otherwise, and they and have a healthy dialogue with them. आप अगर regulated industry में हो तो you should be able go out to the regulators regularly and talk to them. So हमने देखा में draft guideline में दो चीज missing थी। एक, P2P lending companies were not required to report into the bureau, credit bureaus of India. तो हमने वो suggestion किया और वो हमने implement भी किया अपना before the guideline come into India, कि हम सारे borrowers का reporting करेंगे bureau में, क्योंकि उससे दो चीज होता है, एक तो उसका score बनता है और जिसका खराब बिहेवियर होता है वो भी रिपोर्ट होता है, जिससे कि सारी इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री अंडरस्टैंड्स कि ये पेमेंट नहीं कर रहा, नहीं तो अदरवाइज वो इसके स्कॉट फ्री चला जाए। दूसरा था, उस टाइम पे एस्क्रो अकाउंट नहीं था, जो आप पी टू पी लेंडिंग में है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। पहले पी टू पी लेंडिंग में जो मार्केट प्लेस, हम पैसे किसी पे टच नहीं कर सकते, तो ग्लोबली एस्क्रो होता है यूके में, जिसमें इन्वेस्टर का पैसा आता है और बॉरोवर का पैसा आता है। हमारे पास में खाली इंफॉर्मेशन आती है हमारे साथ, ये नहीं था। तो ये हमने आरबीआई को डायग्राम बना के समझाया, एंड दे वर वेरी ओपन टू सजेशंस, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, हाउ डज इट हेल्प द कस्टमर, हाउ डज इट हेल्प द इंडस्ट्री, हाउ डज इट प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स। सो दैट वाज फैंटास्टिक।
they adopted both of it very quickly. Then aaya hamara True. licensing regime around 2017 end mein RBI ne guideline nikala and 2018 June mein hamein license mila. Ab 6 mahine koi bolega license mein kyon lagta hai? What RBI goes into every aspect of your business. आपका security of the system, आपके founders कौन है, उनका background क्या है, आपके पास capital है काम करने के लिए, आपके पास process है कि नहीं है, आप at the end of it you are touching public money. तो ये सारे जब license लेते हैं तो बहुत काम करना पड़ता है. Literally I am telling you, अगर आप देखें तो मेरे पास में उस time पे document 3 से 4 feet के बन गए होंगे, इतने सारे document हमने submit किए, सारे document बैठ के बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक रेगुलेटर है जो पूछता है कि अगर ये होगा तो आप कैसे करोगे, अगर वो होगा तो कैसे. तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज था हमारा, जो हम सोच के रखे थे दिमाग में, हम लिखे, आप लिखते हो तो कोई क्लैरिटी आती है. कहा था कि अगर आप अपना कुछ काम करो तो उसको स्मॉल स्टेप्स में लिखो, और वही हमारे साथ आरबीआई ने भी बोला कि आप जो बोल रहे हो आप उसको लिख के हमें, अब हमें बताओ कि आप ये होगा तो कैसे करोगे, ये होगा तो कैसे करोगे, ऐसे. तो ये इसको कहते हैं प्रोसेस. और ये प्रोसेस ना, एक कंपनी जब प्रोसेस से चलती है तो बहुत अच्छे चलती है आगे, इट कंटिन्यूसली कैन ग्रो. अगर प्रोसेस नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं बिल्कुल जाओगे जाके आगे. तो कोई भी स्टार्टअप फाउंडर को हर चीज को प्रोसेस में डालना चाहिए इन अ वे, क्योंकि कोई ना प्रोसेस होता है तो वो साल में एक बार करना पड़े. एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आप याद रखोगे एक प्लेटफॉर्म था जो बहुत पॉपुलर हो रहा था ओटीटी पे, और दे फॉरगॉट टू रिन्यू दैट नेम, दे फॉरगॉट टू रिन्यू दैट डोमेन नेम, एंड इन द मिडल ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे द डोमेन जस्ट वैनिश्ड. लकीली किसी ने खरीदा नहीं एंड दे बॉट इट बैक, पर अगर कोई खरीद लेता तो दे हैव टू पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू बाय दैट बैक फ्रॉम दैट गाय. बट बहुत अच्छा है, ये सब प्रोसेस होने चाहिए, चेकलिस्ट होने चाहिए आपके प्रोसेस एज अ कंपनी. ये हो गया, ये कौन कर रहा है, तो डेलीगेशन, टीम वर्क और रिटन डाउन कम्युनिकेशन की ये कौन कितने तारीख को करेगा, बहुत जरूरी है आपके काम. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दिस इज रियली इनसाइटफुल. इसमें एक दो चीजें जो मुझे आपके जर्नी के बारे में जाननी है, एंड स्पेसिफिकली सिंस आपने सिटी बैंक एज अ कंपनी एंड वेर एवर एल्स दैट यू वर्क, यू स्पेंड सो मच टाइम एंड देन यू मूव्ड ऑन एंड स्टार्टेड समथिंग ऑफ योर ओन. सो हाउ डिड यू मैनेज टू काइंड ऑफ टेक दैट, लाइक हाउ डिड यू मैनेज टू टेक दैट माइंडसेट चेंज जो जरूरी होता है व्हेन यू चेंज फ्रॉम एन एम्प्लॉय टू अ फाउंडर, जो एक माइंडसेट चेंज होता है, माइंडसेट शिफ्ट होता है, हाउ डू यू गेट यूज्ड टू दैट इजीली? आई वुड से आई एम लकी. हमारे को सिटी बैंक में एम्प्लॉय बोला ही नहीं गया, वी वर लीडर्स फ्रॉम डे वन, क्योंकि वी वर वॉकिंग अ पाथ दैट वाज नॉट देयर, दे वर नॉट देयर एट ऑल. आपको ग्लोबल फाइनेंस कैसे करना है किसी ने बताया नहीं हमें. हम जाके खड़े हुए स्टॉल पे लोगों से पूछा, जैसे साउथ में एक पोंगल फेस्टिवल आता है जनवरी फरवरी में, बहुत बड़ा आता है, हमने सबसे पहली बार वहां पर ग्लोबल फाइनेंस पे देखा कैसे लोगों को फ्रिज टेलीविजन खरीदते हुए, और बोला कि अगर हम इसको फाइनेंस करें तो कैसा होगा, राइट. और उसको फाइनेंस के लिए हमें 2 मिनट ही मिलेंगे क्योंकि उसको फ्रिज लेके जाना है, नहीं तो हमें ड्यूरेबल वाले को बोलना है कि भाई हाँ दे दो आप इनको, हम इनसे बाद में कागज कलेक्ट कर लेंगे. सो ऑल दिस हैड टू बी डन फर्स्ट टाइम, सो यू हैड टू बी लीडर नंबर वन. बट अगर कोई माइंडसेट चेंज करना चाहता है तो सबसे पहले अपने आप, अपने आप को, अपने टीम मेंबर को नहीं, सबसे पहले अपने आप को अकाउंटेबल. नंबर टू, कोई चीज को शॉर्टकट मत, कोई चीज के लिए भी शॉर्टकट मत, क्योंकि यू आर बिल्डिंग योर ओन कंपनी एंड यू आर नॉट बिल्डिंग फॉर 2 इयर्स और 3 इयर्स, यू आर बिल्डिंग थिंक कि ये मैं लंबे समय के लिए करूंगा. अगर आप अमेजोन के अभी भी एनुअल रिपोर्ट खोल के देखोगे तो उसमें लिखा होता है डे वन. आज वो इतनी बड़ी कंपनी है और वो अपने आप को डे वन कहते हैं, राइट, जेफ बिजोस. और जेफ बिजोस खुद बैठ के
किताब पैक कर रहे होते थे, राइट। उन्होंने एक स्टोरी कही है जिसमें कहे हम लोग जमीन पे बैठ के करते थे पैकिंग, तो उनके पैकर बगल वाला बैठ के जो एम्प्लॉय था उनका, वो कहता है कि सर अगर हम टेबल ले लेंगे ना तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। वो उनके दिमाग में नहीं आया था, उसके दूसरे पैकर में आया था, बोला जमीन पे बैठने से थोड़ा तकलीफ होता है, पैकिंग की स्पीड कम हो जाती है, तो हमें टेबल। तो उनका पहला इन्वेस्टमेंट था एक टेबल। तो आपको छोटे 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 स्टेप्स लीजिए जिससे आप भी डीमोटिवेट नहीं हो, टीम भी डीमोटिवेट नहीं। बहुत छोटे स्टेप्स लीजिए और हर विन को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से, आप कुछ भी एक्सेल फाइल में बना लीजिए कि मैं 100 करोड़ का बिजनेस करूंगा नेक्स्ट मंथ, हो जाए तो बहुत अच्छा है, न हो बिल्कुल तो आप डरिए मत। आप चेक कीजिए कि मेरे को वो ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। वो अगर ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, फीडबैक अच्छी आ रही है, और ये आपके ब्रांड जो नॉन एग्जिस्टेंट है जब आप स्टार्टअप करते हो, तो आपके अपने कस्टमर्स वो आएंगे पहले जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और अगर आप उनसे जुड़ के अपनी प्रोडक्ट को अच्छा बना पाओगे, उनसे सुन पाओगे, आपकी खामियां सुन पाओगे, वो आपका भला चाहते हैं। आप अगर वो आपको बोले कि आपका प्रोडक्ट में गलती और आप डिफेंसिव हो जाओगे, नहीं 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 ये तो अच्छा कस्टमर नहीं, अरे वो बहुत भला इंसान। क्योंकि अगर आप कोई सपोज कर लो एक हर्बल वाटर ही बना रहे हो और उसने पी लिया, से आपका जो आप बोलते हैं ना अडॉप्शन कर्व सबसे आगे है वो बंदा है, वो बंदे को आपने खोज लिया पहले और वो पी के आपको कुछ फीडबैक दे रहा है, तो कितने लोग फीडबैक देने के लिए खड़े होते हैं, वो खाली बैड कमेंट देने के लिए होते हैं। बिल्कुल। तो अगर वो मिल जाए वो आपके लिए भगवान है, उसकी आप पूजा कर लो, उनसे पूछो कि क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, और बुरे को ठीक करो और अच्छे को और एम्पलीफाई करो उसे अच्छे। बिल्कुल, मेक सेंस। नहीं, आई थिंक दिस इज रियली इम्पोर्टेंट एज अ स्टार्टअप, ये फीडबैक को सही तरीके से लेना और उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना इज रियली इम्पोर्टेंट, एंड स्पेसिफिकली जब आप, जैसे आपने कहा अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में दिस बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट, बिकॉज आप एक पूरी नई ब्रांड बना रहे हो, इफ यू आर बिल्डिंग एज पर व्हाट कस्टमर फीडबैक जो आ रहा है और उसको आप रैशनलाइज करके अगर सही से बना पा रहे हो, देन इट बिकम्स एज अ लॉट ऑफ वैल्यू, बिकॉज आपका जो मार्केट रिसर्च है वो भी आपका यहीं पे हो जा रहा है। हैविंग सेड दैट, एक चीज जो मेरे दिमाग में आती है, एंड आई थिंक बहुत बार ये मुझे अर्ली स्टेज फाउंडर्स या जो लोग फाउंडर्स बनने की सोच रहे हैं इनके एंड से आता है कि यार सेफ्टी नेट क्या होगी, मतलब मैं जॉब छोड़ दूंगा तो मेरे पास कुछ सेफ्टी नेट नहीं है, मेरे पास 10 अकाउंट में थोड़े कुछ लाख रुपए पड़े हुए, 2-3 महीना चल जाएंगे, उसके बाद क्या, मतलब उतने में तो रेवेन्यू नहीं आने वाला है। सो what do you advise to these people जो कि एक सेफ्टी नेट की बात करते हैं, तो इसका कुछ एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, और इज देयर अ वे दैट यू यू नो बिल्ड अराउंड दिस सो दैट यू हैव दैट कंफर्ट बिफोर जंपिंग इन। बहुत डिफिकल्ट है फ्रैंकली, लेट मी, एक तो मैं जॉब करते करते स्टार्टअप करूं बहुत मुश्किल है, आप दोनों तरफ से चले। दूसरा ऑप्शन है कि मैं छोड़ दूं और मेरे को तुरंत वीसी पैसा दे देगा, वो भी आज की तारीख में बहुत कम चांस है। पहले आइडियाज पे पैसे मिल जाते थे, अब आपको प्रोडक्ट बना के आके पैसे लेने पड़ेंगे, राइट। अब आइडियाज पे पैसे नहीं मिलते, तो अपने को ये समझना है कि कैन आई मेक अ प्रोडक्ट एंड गेट माय फर्स्ट 100 कस्टमर टू हैव माय सीड राउंड कॉन्वर्सेशन इन द 3 मंथ। बट आप खुद भी मेजर कर लो, आप बोलोगे मैं 3 महीने में प्रोडक्ट बना लूंगा, हो सकता है आपका CTO थक जाए बीच में, हो सकता है आपको कोई टीम मेंबर छोड़ जाए, ये सारे प्रॉब्लम जो बड़े कंपनी में होती है और उसका इम्पैक्ट कम होता है क्योंकि बहुत बड़ी टीम है, इट्स लाइक जहाज, यहाँ तो छोटी सी है आपकी डिंगी है, उस डिंगी में थोड़ी सी भी पानी आती है आपको निकल के पानी फेंकना पड़ेगा, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को आपको ध्यान रखना। 3 महीना टू टेक अ प्रोडक्ट टू लाइफ इज अ वेरी शॉर्ट टाइम, क्योंकि आपको कस्टमर से भी मिलना है, B2B है जो सप्लायर या बिजनेस से भी मिलना है, उनको थोड़ा डेमो भी दिखाना है, राइट। बिल्कुल। तो ये 3 महीने का कोई टाइमलाइन नहीं लीजिए,
आप 6 से 9 महीने में आज की तारीख में थैंक्स टू ऑल द ग्लो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल यू कैन टेक अ प्रोडक्ट लाइव एंड इन 12 मंथ्स यू कैन अंडरस्टैंड को चलेगा कि नहीं। बिल्कुल अर्ली शूट्स मिल जाएंगे। तो 3 महीने का इज टू इम्प्रैक्टिकल अ टाइमलाइन टू गिव टू योरसेल्फ क्योंकि यू विल बी वर्किंग अंडरग्राउंड टू द कस्टमर। You can take some ideas. So, what is the ideal timeline आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से, depending on whether it's a full technology product or it's a full technology product, आपको minimum viable product बनाने में भी 3 से 6 महीने लग जाए। Minimum viable, आप वो minimum viable product में आज की तारीख में UX UI still become very important. आप गंदा यूएक्स वाय लेके जाओगे तो वो वायबल प्रोडक्ट पीक फेल हो जाएगा। फिर आपका अगर नॉन फूड सेक्टर में हो तो अगर आपको देखना होगा कि आपको रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए, FSAI के पास जाना पड़ेगा, हर डोमेन का अलग अलग टाइमलाइन है। पर मैं सोचता हूँ कि 6 से 9 महीने के नीचे कुछ भी अकम्प्लिश कर पाना, क्योंकि आपके पास में 3 चीज की कमी होगी। एक, आपके पास में टैलेंट की कमी होगी, आपके पास अथा टैलेंट नहीं है, आपके पास में 25 जन नहीं काम कर रहे होंगे ऑन day 1 और day 10, राइट, क्योंकि आपके पास फंडिंग नहीं। खुद को हैवी लिफ्टिंग करना, खुद को बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करना। नंबर 2, राइट, आपके पास पैसे की भी कमी है इसीलिए आपके पास इतने टैलेंट भी नहीं है, और तीसरा है ब्रांड भी नहीं। एग्जैक्टली, राइट। तो आपके पास जो छोटी छोटी मुश्किलें आएंगी, जो बड़ी कंपनी में छोटी लगती है, आपके सामने दे विल फील लाइक माउंट एवरेस्ट, कैसे इसको सरमाउंट करो, इसलिए टाइम भी लगेगा, राइट। और कोई जरूरत नहीं है, बिफोर यू गेट योर यू फील सेटिस्फाइड, जैसे मैं किताब में पढ़ रहा था कि आईपॉड का डिजाइन जो फर्स्ट वाला था बड़ा डिफरेंट था, उसको तोड़ दिया गया और बड़ा नया बना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। तो वो फेलियर का भी एक, आपको इंटरनली फेलियर भी हो सकता है, उसको भी अपने टाइमलाइन में रखना चाहिए। सब चीज आपके कंट्रोल में भी नहीं है और हो सकता है कुछ भी गलत हो जाए, राइट। तो 6 से 9 महीने आप रखते हैं फर्स्ट MVP बना के मार्केट में ले जाने के बाद, तो आपको बहुत फास्ट आइट्रेशन करना पड़ेगा, but first get your first 100 customers, that's very critical, aur unki jo feedback rahenge, that's the most valuable feedback you can ever get in, and they will be, trust me, don't try and sell to your friends and family, they will not buy. Or even if they buy, they will not give you feedback. So go to a person who will be critical. Aapka friend aapko chehre pe bolega bahut acha hai aur piche bolega bahut bekar hai, राइट। आपकी फैमिली फ्रेंड्स आपको हेल्प करने के लिए खरीदेगी, आपको फीडबैक देने के लिए नहीं। आपको वो आदमी चाहिए जो आपको अच्छा फीडबैक। बिल्कुल बिल्कुल, मेक सेंस, परफेक्ट। फ्रॉम अ सेफ्टी नेट पॉइंट ऑफ व्यू, देन यहाँ से ये समझ आता है कि अगर आप एक 9 से 12 महीने का फाइनेंशियल प्लानिंग करके अगर वो अपने पास आप रखते हो एज अ सेफ्टी नेट, कि इतना खर्चा अगर मेरा होने वाला है पूरे साल का, तो इतना पैसा मेरे अकाउंट में होना चाहिए, 12 महीने का एक बेसिक एक्सपेंसेस अगर मेरे अकाउंट में, देन आई कैन पीसफुली बेसिकली वर्क ऑन द आइडिया। एंड बूटस्ट्रैप करना है तो फिर अलग है, देन उसका अलग ही हिसाब हो जाता है। इफ यू हैव पीपल हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वेरी गुड, वेरी डिफरेंट स्टोरी। पर बिल्कुल, बूटस्ट्रैप में आपके पास में एक तरह से लिबर्टी रहती है प्रोडक्ट को टू ब्रिंग टू अ लाइफ। वो सीड स्टेज में आप बिल्कुल अर्ली फंडिंग ले लोगे तो आपको एक अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि यू हैव टेकन समथिंग, राइट। और उसके कारण आप कहीं अपनी आइडिया से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि यू हैव फेस सम प्रॉब्लम। तो दोनों को बड़ा बैलेंस करना जरूरी है। आपको बहुत अच्छे से आप ये सोचेंगे इक्विटी है पर मेरी लाइफ है, नहीं, दोनों इक्वल है। जैसे कोई बोलता है कि कार में कौन सी फ्रंट टायर इम्पोर्टेंट है कि बैक टायर, तो चारों ही इम्पोर्टेंट है। तो
आपका इक्विटी इन्वेस्टर वंस ही कम्स इन, बिल्कुल वेदर इट्स सीड स्टेज या कहीं पे भी, उसका पैसे के उतना ही वैल्यू है जितने आप, ये नहीं कि उसकी वैल्यू कम है। Makes sense. I think this has been a really inspiring story for the young founders. Thank you so much for sharing your story. Having said that, we'll move on to the next segment, which is called Dhande Ki Baat, जहाँ पे कि हम अपने P2P lending की दुनिया में थोड़ा सा और deep dive करेंगे and we'll understand a bit more about technicalities and धंधा कैसे होता है, कहाँ पे कैसे क्या चीजें हो रही है जो बैक एंड में है, जो हमें नॉर्मली फ्रंट एंड पे दिखती नहीं है।